नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीमा फतिमा और असीम रजा ने शनिवार को नामांकन पत्र खरीदे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर तंजीमा फतिमा नामांकन करेंगी। वह राज्यसभा सदस्य और रामपुर शहर सीट से विधायक रह चुकी हैं, जिससे पहले रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने बरेली रामपुर एमएलसी सीट के पूर्व एमएलसी घनश्याम लोधी को उतारा है। हालांकि कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात के बाद प्रत्याशी के नाम की चर्चा हो चुकी है। समाजवादी पार्टी आजम खान के पसंद का ही प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। वहीं खबरों के मुताबिक आजम खान की पत्नी और उनकी बहू को उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है, लेकिन नवाब कजीमा अली खान के नाम से उनके पीआरओ ने पर्चा खरीदा है, जिससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस नवाब कजीमा अली खान को अपना प्रत्याशी बना सकती है। मायावती की पार्टी ने रामपुर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने से इनकार कर दिया है। अगर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी इस चुनाव में उतारा तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा। अगर उपचुनाव के लिए चल रहे नामांकन की बात करें तो अब तक कुल 11 पर्चे खरीदे जा चुके हैं। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से रामपुर लोकसभा सीट पर किस उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज मिशन के साथ।